2013, ध्यान से देखिए आप सम्स को, एच लिमिटेड परचेज 13,500 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ऑन के बाद अंडरलाइन करिए, 1 जुलाई एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,10,000, उसको भी आप वहां पर अंडरलाइन कर दीजिए। इसलिए 2,10,000 बोल रहे हैं क्योंकि देखिए नीचे में इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 2,30,000 होल्डिंग कंपनी का, एच लिमिटेड का। इसका मतलब 2,10,000 तो शेयर का है, यानी अदर इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000। इसीलिए ये बात ऊपर में लिख दिया है। बैलेंस शीट कब का है, 31 मार्च, अंडरलाइन करो। आपने 1 जुलाई को खरीदा, इसका मतलब हुआ अप्रैल मई जून 3 महीना और 9 महीना, प्री 3 महीना पोस्ट 9 महीना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बोला है, एक और चीज जो अभी तक 2 सम्स में नहीं देखे थे आप जरा लायबिलिटी साइड में देखो, परपोज डिविडेंड वहां पर स्टार बनाओ, परपोज डिविडेंड के पास डिविडेंड इस बार ऑलरेडी कहां पर है, मतलब बैलेंस शीट में है, यानी प्रोविजन किया हुआ है। यह बात ध्यान रखेंगे, प्रोविजन किया हुआ है मतलब ऑलरेडी पीएल से हट चुका है। अदर इंफॉर्मेशन में आ जाइए, हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो कितना शेयर खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा। दूसरा ये देखते हैं लायबिलिटी साइड में कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास कितना शेयर है, तो आप देख रहे हैं सब्सिडरी कंपनी के पास 1,80,000 रुपया लिखा हुआ है, 10 इंच करके मतलब 18,000 शेयर है। 18,000 शेयर में 13,500 आपने ले लिया, तो बाकी जो बचा वो किसके पास बच गया, वो माइनॉरिटी कंपनी के पास बचा हुआ है, सब्सिडरी कंपनी के पास बचा हुआ है। उसी समय हम लोग देखते हैं कि जो यहां सब्सिडरी कंपनी है उसका रिजर्व कितना है, तो जनरल रिजर्व 30,000 है और पीएल कितना है, 60,000। तो अभी तक आपने क्वेश्चंस को ऊपर फोकस कर लिया, अब अदर इंफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे हम लोग। अदर इंफॉर्मेशन में बोल रहा है एस लिमिटेड ने, एस लिमिटेड का मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है, 1/4/2012 अंडरलाइन करो, यानी आपको बता दिया है कि बिगिनिंग में 18,000 रुपया जनरल रिजर्व है और 36,000 रुपया पीएल है, तो दोनों का डिफरेंस करके 3 महीना और 9 महीने का भी लेना है, ये तो आप जानते ही हैं। इन 1 सितंबर अंडरलाइन करो, एस लिमिटेड पेड ए डिविडेंड, एस लिमिटेड ने डिविडेंड पेड किया, एच लिमिटेड रिसीव्ड 15,000 रुपया ऑफ सच डिविडेंड एंड क्रेडिटेड द सेम टू इट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो ये बात को जरा ध्यान से समझेंगे कि 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। प्लांट एंड मशीनरी वापिस आ गया, वही प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक ऑफ एस लिमिटेड 1,20,000, कितना 1,20,000 ऑन 1 अप्रैल, बिगिनिंग में 1,20,000 का मशीनरी था, उसका रिवैल्यूएशन कितना किया गया, कब किया गया, अंडरलाइन करो। इसका मतलब ये डायरेक्ट 20,000 नहीं, 3 महीने का डिप्रिसिएशन वाला भी बात है, ये जरा ध्यान रखेंगे। नो एडिशन और सेल ऑफ मशीनरी वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूडेड 9,600 परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड ऑन विच एच लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ये छोटा सा बात हो गया, तो हमारा इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि सबसे पहला काम हम लोग को डिप्रिसिएशन वाला कर लेते हैं, करने के बाद तब रेशियो ऑफ शेयर 1, 2, 3, 4 करके आगे बढ़ेंगे। क्या लिखे थे बताइए, पिछले बार बताइए, जल्दी बताइए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अभी भी तो प्लांट एंड मशीनरी ही है ना, प्लांट एंड मशीनरी एट द डेट ऑफ एक्वाइजिशन, ये हेडिंग हम लोग दे दिए, ठीक है। अब बताइए कितना है कॉस्ट, 1,20,000, लेकिन पहले हम लोग डिप्रिसिएशन का तो काम कर लें। डिप्रिसिएशन किए थे ना, देखिए कैसे किए थे, जैसे आप किए थे पिछले बार वैसे ही हम करवा देंगे, नहीं तो क्या होगा, अलग अलग करने से दिक्कत होगा। एक बार दे दीजिए, कोई कॉपी दे दीजिए, डेट ऑफ एक्वाइजेशन क्या है बोलिए,
17। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डिप्रिसिएशन? 120,000 था माइनस 108,000, तो कितना हुआ? 12,000 का कितना परसेंट? 10%। अब जो है 10% आप लेने जो जाएंगे वो कैसे लेंगे, ये बात सबसे पहले समझो। हम लोग परसेंटेज बाद में देखेंगे, परसेंटेज जब हम लोग आगे आएंगे तभी हम परसेंटेज बताएंगे। अभी देखो 120,000 रुपया वहां पर देखो मशीन का वैल्यूएशन किया गया, जो कि 140,000 उसका वैल्यूएशन हो गया। बट 120,000 और जरा बैलेंस शीट में एस लिमिटेड में देखो कितना है, 108,000। 120,000 का जो मशीन था जनवरी में, वो इंड में कितना हुआ है 108,000, मतलब ये ओपनिंग में था। अभी आप बैलेंस शीट में क्लोजिंग में देख रहे हैं 108,000, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना डिप्रिसिएशन किया, ये एक साल का डिप्रिसिएशन है। बट हमारा जो डेट है वो कब है, 1/7/2012, मतलब 3 महीना। कैसे 3 महीना हुआ, 1/4/2012 से 1/7/2012 3 महीना। तो 3 महीने का कितना होगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 3,000 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया। मतलब जो 12,000 डिप्रिसिएशन हुआ उसको दो भागों में बांट दिए, 3 महीने का डिप्रिसिएशन 3,000, बाकी का उधर चला जाएगा 9,000। ठीक है, अब हम लोग करेंगे WDV। ठीक है, चलो 2 WDV ऑफ प्लांट कितना तारीख को, तो यहां पर अभी हम लोग करेंगे 1/7/2000। कॉस्ट कितना है, उसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ, एट द डेट ऑफ एक्वाइजेशन, जिस दिन हम लोग एक्वायर कर रहे थे शेयर उस दिन मशीन का कॉस्ट कितना था, बट उसका वैल्यूएशन कितना किया गया, तब प्रॉफिट पता चल गया ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी 140,000 माइनस 117,000 कितना हो गया, ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब भी प्लांट का रिवैल्यूएशन होगा आप एक चीजों का ध्यान रखेंगे, और वो क्या चीज है, तो वो है कि कब आपने शेयर एक्वायर किया। 20,000 रुपया नहीं लेना है, 3 महीने का डिप्रिसिएशन भी हम लोग ले लिए। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, अब जैसे सम्स बना रहे थे फटाफट बनाते चले जाइए। डिविडेंड भी निकाल दें, डिविडेंड तो वहां पर निकाला हुआ है 27,000 और 18,000 सम्स में इस बार दे दिया है। ठीक है, इसलिए हम लोग को निकालने का दरकार नहीं है। वहां पर सब्सिडरी कंपनी भी निकाल के रखा है और होल्डिंग कंपनी भी इस बार क्या किया है, डिविडेंड दिया है, जो कि वहां पर दिख रहा है। वो बाद में जिस समय कैलकुलेशन करेंगे ना उस समय कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। एच लिमिटेड और बोलो, पहला रेशियो ऑफ शेयर कितना कितना शेयर लिया है बोलो, 13,500, तो इसके पास बचा 4,500। कैसे 4,500 बचा, ये आपको देखना चाहिए। 13,500 तो बचाइए, काट दो कितना आया बोलिए, 3:1। ये पहला काम हो गया। चलो दूसरा करो, कैपिटल प्रॉफिट
फ्री। बताओ जीआर कितना था? 18,000 जीआर था। साथ ही साथ हम लोग ड्यूरिंग द ईयर भी लेंगे, जिसमें हम लोग प्लस करेंगे जीआर फॉर कितना मंथ, 3 मंथ। तो देखिए क्लोजिंग में जनरल रिजर्व कितना है, 30,000। ठीक है जी, तो 30,000 में से 18,000 चला गया, तो ड्यूरिंग द ईयर 12,000 हुआ। ये 12,000 रुपया जो हुआ, ठीक है, 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना हो गया, तो 18 और 3 21,000 रुपया ये हो गया। आइए पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, पीएल 36,000, बट इसमें से लेस करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो होल्डिंग कंपनी ने 15,000 रुपया डिविडेंड रिसीव किया, तो 15,000 डिविडेंड किसको डिनोट कर रहा है, 3 को, तो टोटल डिविडेंड कितना, बात आया समझ में, 15,000 वो अपना हिस्सा पाया, 15,000 अपना हिस्सा पाया, यानी 3 पाया तो 5,000 हुआ, तो टोटल डिविडेंड कितना, तो 20,000 रुपया टोटल डिविडेंड यहां पर हम लोगों ने किया। इस चीजों को समझेंगे बढ़िया से, ये लाइन वो लाइन अगर नहीं देता तो जो यहां लिखा हुआ था वही हम लोग कर देते, बट यहां पर लिख रहा है ऑन इन फर्स्ट सितंबर एस लिमिटेड पेड ए डिविडेंड, एस लिमिटेड ने डिविडेंड पेड किया और एच लिमिटेड ने रिसीव किया 15,000 रुपया और सच डिविडेंड 15,000, तो 15,000 कितना के लिए किया, वो 3/4 के लिए, तो टोटल के लिए कितना हो जाएगा, 20,000, तो यहां पर कितना हो गया, 16,000 प्लस, यहां पर हम लोग करेंगे क्या प्लस करेंगे बोलिए, पीएल फॉर 3 मंथ, पीएल फॉर 3 मंथ। अब बताइए पीएल कितना है, 60,000, 60,000 में से 16,000 चला गया, कितना बचा, 44,000, 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना बोलिए, तो 11,000 ये जुट गया और 27,000 बाहर चला गया। अब देखिए कितना आ गया बोलिए, दो चीज हो गया, अब हम लोग को एक चीज और, जो अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे, क्या बोलिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ कितना, 23,000, टोटल कर दो ये कितना हुआ, 71,000 में बटेगा, बांटो 53,250, तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी हम लोग पहले से कर चुके हैं। ये देखिए एट द टाइम, यानी जनवरी अप्रैल का मंथ में बिगिनिंग में, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1/4, 18,000 रुपया जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में, क्लोजिंग में आपको 30,000 दिख रहा है, जैसा कि हम लोग करते हैं बराबर 18,000 माइनस कर दिए, तो ड्यूरिंग द ईयर 12,000 हुआ। हम लोग शेयर कब खरीदे हैं, तो 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने का हम लोग यहां पर ले लिए। पीएल 36,000 था, उसमें से 20,000 जैसे डिविडेंड आप माइनस करते थे माइनस कर दिए, 20,000 यहां पर कैसे पता चला, तो 15,000 रुपया मिला है होल्डिंग कंपनी को 3 के लिए, तो 4 के लिए 20,000, 16,000 हो गया। फिर अभी क्लोजिंग में हम लोग 60,000 देख रहे हैं, 16,000 माइनस किए 44,000, टोटल 12 महीने का, तो 3 महीने का 11,000, ये 27,000 आ गया, बाढ़ फ्री हो गया। अब पोस्ट
पोस्ट। पहले क्या देखेंगे हम लोग, जी आर, कितना निकला था जनरल रिजर्व हम लोग माइनस करके वही किए थे ना, 30,000 में से 18,000 माइनस किए थे तो यही 12,000 बचा था ना। 12,000 कितने महीने का, 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना होगा, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको, तो कितना कितना होगा बोलिए, 3:1 में हम लोग को बांटना है ना, ये मिटा दे रहे हैं, 6750 2250 प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था बोलिए, 60 में से 16 माइनस किए थे तो 44,000 आया था, 12 महीने का तो 9 महीने का 33,000, बट इसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा बोलिए, डिप्रिसिएशन, टू बी चार्ज्ड। अब डिप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा, देखिए नीचे में हम डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, आइए देखते हैं, पिछले बार भी हम आपको बताए थे, देखो डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर 9 मंथ, 3 मंथ तो वहां एडजस्ट हो गया फ्री, अब तो आप क्या कर रहे हैं पोस्ट, तो देखो 140,000 माइनस 120,000 तो कितना हो गया बोलिए, आप वैसे भी कर सकते थे जो इसके पहले आपने देखा था कि टोटल 12,000 आपका डिप्रिसिएशन हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, 3 महीने का वहां लिए थे वो वाला बात, इसके पहले देखे थे ना डिप्रिसिएशन कितना हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, 12,000, ये 12 महीने का, 3 महीने का उधर लिए थे तो 9 महीने का इधर ले लेंगे, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर तो ये करना नहीं है, कैसे करना है बताइए, कितना आएगा टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया था, जो अमाउंट बढ़ा हुआ है उसके ऊपर 2,000, ये देखिए यहां ध्यान दीजिए, 140,000 माइनस 120,000, तो एक्सेस कितना, टोटल के ऊपर तो हम लोग को डिप्रिसिएशन लेना नहीं है, हम लोग जितना इंक्रीज किया था कितना किया था 12,000 20,000 का 10%, आप बोलेंगे सर 10% कैसे आया, तो देखिए 10% कैसे आया, इधर देखो 120,000 का जो आपका मशीन था, बट यहां पर अभी 108,000 है, यानी परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन जो हम लोगों ने यहां 10% लिया वो कैसे लिया, 12,000 रुपया डिप्रिसिएशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 120,000 के ऊपर, तो ये 10% आया, हम लोग जो रिवेल्युएशन हुआ है फिगर उसके ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, 140,000 माइनस 120,000 तो 20,000 का 10% कितना आ गया, 1,500 रुपया आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कैसे किया गया है वो यहां पर आपको बता दिया गया, इसके पहले वाला सम्स में भी हम लोग सेम यही काम किए थे याद है ना, अब कितना आएगा 31,500, ये 31,500 को भी हम लोग बांट सकते हैं 3:1 में, बताओ कितना हुआ, 2,675 और 3 पोस्ट, पहली बार नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा बोलिए, अभी इक्विटी शेयर कितना रह गया था बोलिए,
फेस वैल्यू ऑफ 4500 इंटू कितना, जोड़ो इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 72875। यहां अनरियलाइज प्रॉफिट वाला काम कर लीजिए। तीसरा नंबर बोलिए क्या करते हैं हम लोग, कितना आएगा 1600, कितना 9600 का कितना बोले, ये बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से दोनों का जोड़कर माइनस होगा 1600, और जब हम लोग होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर भी बढ़े आगे। अब क्या निकलेगा निकालो, कैपिटल रिजर्व भी तो आ सकता है, बताओ क्या क्या लिखते हैं जल्दी जल्दी बताओ, कितना है, सबसे ऊपर में ही दिया है ना, लेस करते हैं, बताओ लेस क्या करेंगे, सबसे पहले कितना शेयर लिया था, बोलो आगे, कैपिटल प्रॉफिट, प्री कितना बोलो, डिविडेंड, कितना इन्वेस्टमेंट अकाउंट जरूर बोला है, तो यहां पर हम लोग जो डिविडेंड है पहले उसको यहां से हटाएंगे क्योंकि एक प्रपोज डिविडेंड भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जरूर बोलेगा लेकिन हम लोग उसको हर समय क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ शेयर, क्योंकि ये जो डिविडेंड हमको मिला वो कहां से मिला, प्रॉफिट से, इसीलिए हमेशा आप यहीं पर ट्रीटमेंट उसको करेंगे प्री एक्वाइजेशन का। यहां पर एक चीज और भी होगा, अब यहां जरा ध्यान से देखो और समझो बातों को, ये जो प्रपोज डिविडेंड देख रहे हैं और जो डिविडेंड दिया गया उसको जरा ध्यान से समझिए, दोनों में क्या फर्क है, ये हम लोग किस ईयर का बना रहे हैं, 13 मतलब 12 13 ये मेरा पर्पोज डिविडेंड किसको बोला जाता है, उस बात को जरा ध्यान से समझेंगे, ड्यूरिंग द ईयर अगर आप ये चाहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर यानी 12 13 में आपने ये डिसाइड किया कि हम कितना डिविडेंड देंगे फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो यहां पर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों ने यहां पर प्रोविजन करके रखा है कितना, 27,000 और 18,000, ठीक है, लेकिन जो डिविडेंड दिया था वो कब का दिया था, देखिए प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया था, तो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है उसको हम लोगों ने इसलिए पीएल से माइनस किया, पीएल से माइनस किए, ठीक है ना, जैसे पहले करते थे ऐसा सोच लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे आप समझिए, ये जो आप देख रहे हैं 18,000 रुपया देखिए और 27,000, अब यहां पर आपको
माइनस करना पड़ेगा एक चीज और, यानी अब एक बात और नया चीज सीख गए कि अगर बैलेंस शीट में और भी कुछ प्रपोज डिविडेंड रहेगा करंट ईयर का, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, इस बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। यानी क्या क्या हो गया अभी तक, बोनस हो गया, उसका ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट आप आसानी से समझ गए कि पीएल से माइनस होता है, बाद में यहां से भी माइनस करते हैं, इसमें अब कोई दिक्कत का बात नहीं रहा। अंडर ओवर वो भी आप समझ चुके हैं, लेकिन इसीलिए मैंने बताया वहां पर वापिस से कि वहां दो तीन स्टार बना दो सम्स के अंदर जहां प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब उसका ट्रीटमेंट सीख लीजिए। शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन, आप लोग जानते हैं यहां सब कुछ जो है हम लोग क्या करते हैं, प्री का करते हैं। डिविडेंड भी हम लोग ये जो किए हैं सब क्या किए हैं, सब प्री का है। तो देखिए कितना है प्रपोज डिविडेंड, बोलो 18,000 रुपया जो डिविडेंड है पूरा 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना पहले निकालो, 4,000, बाकी प्रपोज डिविडेंड हम लोग एज इट इज दिखा देंगे बैलेंस शीट में। देखो ये जो आप देख रहे हैं प्रपोज डिविडेंड जो सम्स के अंदर दिया हुआ है, वो 18,000 रुपया दिया हुआ है 12 महीने का, तो 3 महीने का निकाल लिए। अब 4,500 सब तो होल्डिंग कंपनी को नहीं मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या था, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का 3:2, तो इसको कितना मिलेगा इसमें से, 3/1 कितना आएगा बोलिए, 3/4 यहां स्टार बना दो। क्या करेंगे फिर से समझ लीजिए, परपोज डिविडेंड भी अगर दिया रहेगा तो परपोज डिविडेंड वो क्या हुआ, पूरा 12 महीने का, पूरा 12 महीने का ये प्रपोज किया गया कि हमको लोगों को इतना डिविडेंड देना है, सब्सिडरी कंपनी ने किया 12 महीने का, 3 महीने का कितना, क्यों 3 महीने का, जब हम शेयर लिए उस समय का हम देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्वाइजेशन कि मेरा गुडविल हो रहा है या कैपिटल रिजर्व हो रहा है, तो 3 महीने का हुआ 4,500, 3/4 क्यों, क्योंकि हम होल्डिंग कंपनी का ले रहे हैं, तो 4,500 का 3/4 तो हम 3/4 का कैलकुलेशन करेंगे, 1/4 तो मेरा रह जाएगा लाइबिलिटी। चलिए कितना हो रहा है बोलो, 3/3 माइनस में आ रहा है कि प्लस में, तो गुडविल हो गया। अब एक कैलकुलेशन और भी, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट किसके लिए कर रहे हैं, बताओ सबसे पहले जीआर बताओ कितना था, होल्डिंग कंपनी का जीआर बताओ, जनरल रिजर्व 36,000, एड करेंगे कैपिटल, पोस्ट का यहां पर सब कुछ क्या लेते हैं, पोस्ट का कितना था, पोस्ट में उसका 6,750, बाहर भेज दो कितना हो गया 42,750, पीएल कितना है बोलो 60,000, इसमें से पहले एड कर दो कैपिटल प्रॉफिट प्री, पोस्ट कितना है बोलो 2/3, अब यहां ही पर
एक बात ध्यान से देख लो, शेयर ऑफ परपोज डिविडेंड फॉर 9 मंथ, सब कुछ पोस्ट का, वहां पर हम 18,000 का 3 महीने का निकाले थे, यहां पर हम 18,000 का पहले कितना महीने का निकालेंगे, 9 महीने का कितना आएगा बोलो। अब 13,500 में से होल्डिंग कंपनी का कितना होगा, कितना आ रहा है बोलो, लेस कर दो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, कितना आया था बताओ, कितना जाएगा बाहर, 92150, दोनों को जोड़ दो, 1 3 4, इसका मतलब क्या हुआ अब समझो बढ़िया से, परपोज डिविडेंड जो 18,000 था एक्चुअल में, समझो बातों को समझो, परपोज डिविडेंड जो 18,000 था होल्डिंग कंपनी ने उसमें अपना परपोर्शनेट ले लिया, कितना लिया 18,000 का 3/3, कितना होगा 3/4, देखिए अभी 13,500, ये 13,500 को दो भागों में उसने बांट दिया, प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट, प्री कितना महीना हुआ 3 मंथ, पोस्ट कितना महीना हुआ 9, यानी परपोज डिविडेंड जब रहेगा तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे, 3 महीने का जब हम लोग काम कर रहे थे तो जिस समय आप वैल्यूएशन कर रहे थे किसका, गुडविल या वहां पर चला गया, वहां चला गया, और 9 मंथ का कहां आ गया बोलिए, पीएल के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया, ओके बढ़े आगे, अब क्या बनाना है जल्दी कीजिए बैलेंस शीट, इसका मतलब ओनर्स में एक बात ध्यान रखेंगे, आपको गलती कराने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या हो सकता है ये अगर आप 2011 से 2018 तक बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सबसे पहले 2011 बनाए थे ना, देखेंगे सेम सवाल है 2015, सेम टू सेम, खाली अमाउंट डबल कर दिया है, इसीलिए हम बोले 11, 12, 13, 14 ये 4 ठो कम से कम बना लो, जल्दी जल्दी आप बैलेंस शीट कोई भी हमको बताते जाइए ताकि जल्दी हो सके, नहीं तो काफी टाइम लग जाता है, आप देखते ही हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, बाकी तो आप लिखने के लिए खुद ही जानते हैं बहुत अच्छा से, अभी जल्दी जल्दी हमको यहां पर नोट्स टू अकाउंट, बोलो क्या लिखते हैं बोलिए, इक्विटी एंड फिर शेयर होल्डर, बोलो आगे बोलो जल्दी बोलो, जिसके पास नया बुक है बताइए, शेयर कैपिटल 1 नंबर कितना 3 लाख, ये आपको दिखाना है, दूसरा रिजर्व एंड कितना निकला था, रिजर्व 1,3,000, यही है ना, देख लीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, इसके बाद क्या था बोलो, करंट लायबिलिटी
बोलो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है बाबू? ट्रेड पेबल कितना है? 60,000, 42,000, 1,02,000। बिल्स पेबल भी है, आप लोग सबको ही जानते हैं आजकल एक साथ होता है, इसलिए आप नोट्स दिखा दीजिएगा। बिल्स पेबल कितना कितना है बोलिए? 6,000, तो 6,000 ले लीजिए। हाँ, हाँ तो ठीक है, 6,000 खाली ले लीजिए, दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में? 6,000, तो एक का ले लीजिए, तो इंटर ट्रांजेक्शन से 6,000 आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, बट यहाँ बिल्स पेबल में एक अमाउंट है तो हम लोग ले लिए। और बताइए कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट? और एक चीज यहां पर अब होगा, उसको बहुत बढ़िया से समझो। परपोज्ड, देखो परपोज्ड डिविडेंड जो है, जो होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, उसका पूरा ही रहेगा 27,000, क्योंकि उसका तो सब कुछ लेंगे। लेकिन जो एस लिमिटेड है उसका भी लेंगे, कितना है टोटल बताइए? 18,000। 18,000 का कितना लेंगे? 1/4, क्योंकि 3/4 का तो आप हिसाब किताब हर जगह कर चुके हैं पहले ही। 31,000 टोटल करो, 7,00,000, 707,275 आ रहा है जी। ठीक है, इसको हमेशा देख लीजिएगा, जोड़ कर लिखिएगा 3 नंबर, यह अलग अलग नहीं होगा। एसेट साइड बताइए, सुनिए, फिक्स एसेट्स टेंजेबल और फिक्स एसेट्स इनटेंजेबल यही लिख देते हैं, उतना दूर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बताओ टेंजेबल का कितना आएगा, क्या क्या है टेंजेबल में? रुकिए, हमको यहां बता दीजिए, हम यहां पर लिख के ऊपर उठा देते हैं। उधर में 3 नंबर तक हो गया था ना, बोलिए तो 4 नंबर का नोट्स हम लोग दिखा रहे हैं फिक्स एसेट्स का, क्या क्या है बोलिए? प्लांट एंड कितना कितना है? नहीं, उसके पहले भी तो कुछ है ना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? लाइन से बताइए ना, 60,60, 1,20,000 लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना कितना है? 1,20,000, 1,08,000, 2,28,000। लेकिन इसमें और भी कुछ हुआ है? क्या हुआ था बोलिए? इंक्रीज हुआ था, कितना प्लस किए थे आप? 23,000 रुपया प्लस किए थे कैलकुलेशन में। याद कीजिए, जो कैलकुलेशन में आप प्लस करते हैं उसको प्लस करते हैं, जो माइनस करते हैं उसको माइनस करते हैं, तो ऐड किए थे इंक्रीज इन वैल्यू 23,000, लेस किए थे आप डिप्रिसिएशन 1,500, ये सब एक साथ यहां पर आ जाएगा। और क्या है फिक्स एसेट्स बोलिए? और नहीं है ना, कितना रहा है दोनों जोड़ के? 369,500, 369,500। गुडविल आया था ना, कितना कितना आया था? 33। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा, कितना होगा इन्वेस्टमेंट? यहां पर देखो 2,30,000 रुपया है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का,
बट 1,95,000 रुपया में लिया था शेयर, तो कितना आ जाएगा? 35,000, क्योंकि हम लोग जो वो क्रेडिट किया था उसका ट्रीटमेंट कहां किए थे, जब वैल्यूएशन कर रहे थे गुडविल का, ठीक है। और इसी में एस लिमिटेड का कितना है बोलिए, 52,000, कितना हो जाएगा टोटल? करंट लायबिलिटी बताइए, अभी करंट एसेट्स हेडिंग दे दिए, बोलिए क्या क्या है। इन्वेंट्रीज कितना कितना है बोलिए, 60+60 -1600, 1600। और बताइए, ट्रेड रिसेबल कितना कितना है बोलिए, 20,000 और प्लस करो, इसका पहले कितना आया था, 707। एक बार जोड़ के देख लो ठीक है कि नहीं। देखो फिक्स असेट्स कैसे आया, हम लोग यहां दिखा चुके हैं, एक साथ लिखा जाता है, नोट्स टू अकाउंट अलग, कंपनीज का फाइनल अकाउंट का स्टडी कीजिए अगर प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो फिक्स असेट्स में इंटेंजिबल में गुडविल ले ली हम लोग, इन्वेस्टमेंट 2,30,195 में लिए थे तो 35, एंड एस्टिमेट का 52,87, और जैसे पहले जोड़ते थे वैसे ही जोड़ दिए। ऊपर में दिया ना, सबसे ऊपर में देखो ध्यान से, आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 2,30,000 रुपया बैलेंस शीट में दिखा रहा है, इसमें से लेस किए हम लोग शेयर कितना का खरीदे हैं, 2,10,000। एक लाइन बोला था उसको आपने शायद नहीं देखा, इन सितंबर एस लिमिटेड पेड ए डिविडेंड फॉर द ईयर 11-12, एच लिमिटेड रिसीव्ड 15,000 ऑफ सच डिविडेंड एंड क्रेडिटेड टू द सेम इट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं होता है, क्रेडिट हम लोग कहां करेंगे, पीएल अकाउंट में ना, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कहां पर दिखाएं, पीएल में। तो क्या हुआ, अब यहां पर 2,10 में 15,000 चला गया, हम क्या बोल रहे थे सो सुनिए, 2,30,000 में से आप सोच रहे हैं कि 1,95,000 क्यों लेस किए हैं, जबकि ऊपर में लिखा हुआ है शेयर हम लोग 2,10,000 का खरीदे थे, बट हमारा एक एडजस्टमेंट था जहां पर बोला था कि 15,000 रुपया जो मिला वो यहां क्रेडिट किए, लेकिन हम लोग उसका ट्रीटमेंट देखे कहां किए थे, तो ये क्या हो गया 1,95,000, तो ये 35,000 आया। क्लियर?